रुक करते हैं विस्तार से गतिविधि की ओर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने प्रदेश के अधिकारियों के साथ गृह मंत्री के द्वारा सीधी बातचीत किए जाने पर प्रदेश मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली पर संदेह जाहिर किया है। प्रेम कौशल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को इन्वेस्टर मीट के आयोजन कार्यक्रम को लेकर विश्वास नहीं रहा है, इसलिए सीधे संवाद के तहत काम किया जा रहा है। कौशल ने चुटकी लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को दरकिनार करके लोकतंत्र के संघीय ढांचे को ठेस पहुंचाने का काम किया तथा तानाशाही रवैये को जाहिर किया है। कौशल ने कहा कि इसी तरह केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी अब रेल लाइन को लेकर अपनी ही प्रदेश सरकार को देरी करने के लिए निशाना साधा है, जो कि हिमाचल के लिए मुश्किलें पैदा करने वाली स्थिति बन रही है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव और उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ अपने कार्यालय में हिमाचल प्रदेश में आयोजित होने वाली इन्वेस्टर मीट को लेकर बैठक की, मंत्रणा की और कुछ सुझाव दिए। प्रधानमंत्री जी का ये कदम और प्रदेश के अधिकारियों के साथ सीधे बात करना कहीं ना कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो विश्वसनीयता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नज़रों में उनकी जो कार्यकुशलता है, उनकी जो योग्यता है, उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह पैदा करती है। क्योंकि अब तक के इतिहास में कभी भी प्रदेश से संबंधित किसी भी मसले के ऊपर किसी भी प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को बाईपास करके, चुनी हुई सरकार के मुखिया को बाईपास करके प्रदेश किसी प्रदेश के अधिकारियों के साथ सीधे बातचीत नहीं की। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री जी को प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की इस इन्वेस्टर मीट को आयोजित करने का जो विजन है, उसकी जो तैयारियां हैं, उनको लेकर उनके ऊपर विश्वास नहीं है। इसी वजह से उन्होंने सीधे अधिकारियों से मसले के ऊपर बात की। और इसी के साथ हमारा जो एक लोकतंत्र में संघीय ढांचा है, मुख्यमंत्री को दरकिनार करके, बाईपास करके, सीधे अधिकारियों के साथ बात करके प्रधानमंत्री जी ने उस संघीय ढांचे को भी अपना एक ठेस पहुंचाने का प्रयास किया है और अपनी जो एक तानाशाही है उसका मैं समझता हूँ एक उदाहरण दिया है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर वैसे भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो हैं, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं ना कहीं से उनके ऊपर निशाना साध रहे हैं। पिछले दिनों अनुराग ठाकुर जी ने, जो केंद्र में वित्त राज्य मंत्री हैं, रेलवे विस्तार को लेकर प्रदेश सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि रेलवे विस्तार के लिए जो आधा पैसा, 50% पैसा जो प्रदेश सरकार को देना है, प्रदेश सरकार को पैसा नहीं दे रही, इसलिए रेलवे विस्तार नहीं हो पा रहा। और पिछले दिनों, एक दो दिन पहले, उन्होंने प्रदेश के खेल मंत्री के ऊपर भी निशाना साधा था। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के लिए हिमाचल प्रदेश के अंदर बड़ी मुश्किलें पैदा होने वाली हैं। उनका जो नेतृत्व है, उनकी जो कार्यकुशलता है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं के द्वारा और केंद्र में बैठे मंत्रियों के द्वारा। उनकी जो विश्वसनीयता है, इस तरह के जो आरोप हैं, इस तरह के जो अपनी ही पार्टी के अंदर विरोधाभास हैं, उससे उनकी विश्वसनीयता दिन प्रतिदिन कम हो रही है। और सबसे बड़ी बात, इस तरह के एक दूसरे के ऊपर सहयोग ना करने का जो एक वातावरण हिमाचल प्रदेश के अंदर है, विद इन बीजेपी, विद इन गवर्नमेंट, उससे हिमाचल प्रदेश का विकास जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। और मुख्यमंत्री की जो विश्वसनीयता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, उसके ऊपर बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह जो है वो।